चले भाई, अब शुरू करते हैं अपन। पिछली क्लास में हमारा क्लास ए का सब ग्रुप 1 समाप्त हुआ था। आज हम शुरू करेंगे सब ग्रुप 2। और सब ग्रुप 2 जो होते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस में, उनका आइडेंटिफिकेशन होता है कंसंट्रेटेड H2SO4 से। तो यहाँ अब डाइल्यूट एसिड का काम खत्म हो गया है। आप नोटिस करना, जितने भी आयंस अभी अपन ने पढ़े थे उन सब में हम पढ़ रहे थे क्या, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यहां सिर्फ कंसंट्रेटेड H2SO4 ही यूज करते हैं। क्यों, वो मैं आपको भी बताऊंगा। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं यहां पर NO3-, इसका नाम होता है नाइट्रेट आयन। सॉलिबिलिटी की बात करें तो ऑल आर सॉल्युबल। ये सबसे ज्यादा पसंद आता है बच्चों को, बताओ क्यों, क्योंकि सारे सॉल्युबल है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल आर सॉल्युबल, नो टेंशन। ठीक है, तो पहला वही टेस्ट विद एसिड। टेस्ट विद एसिड की जब हम बात करेंगे यहाँ पे, तो NO3- में जब कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड किया अपन ने, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड करने पर आपके पास यहाँ बनेगा इनिशियली HNO3। और ये जो HNO3 होता है, इसको हम हल्का सा हीट करते हैं, तो हीट करने पर NO2+H2O+ नेसेंट ऑक्सीजन में टूट जाता है। ये जो NO2 आया, इस NO2 की ब्राउन फ्यूम्स आएंगी, वो क्या बोला जल्दी बताओ, NO2 की जो ब्राउन फ्यूम से वो आएंगी। अब मान लो आप गए लैब में और आप हीट करने का, वहां पर हीटिंग ही नहीं है, मतलब गैस खत्म हो चुकी है, स्टोव नहीं है, केरोसिन नहीं है, कुछ नहीं, अब क्या करें, टेस्ट कैसे करें, तो एक ऑल्टरनेट मेथड होता है। कॉपर टर्निंग्स ऐड कर दी जाती हैं। ठीक है, ध्यान से देखना इधर, आपको अगर याद आ रहा हो तो ध्यान देना। कॉपर टर्निंग्स का मतलब होता है कॉपर की छीलन। जैसे आप पेंसिल छीलते हो, तो छीलने के बाद वो जो आपके निकलता है उसको कहते हैं छीलन। इसी तरह कॉपर वायर को छीलेंगे तो कॉपर की छीलन आएगी, दैट इज कॉल्ड कॉपर टर्निंग्स। तो कॉपर टर्निंग्स का मतलब कॉपर का टुकड़ा डाल दिया। HNO3 में कॉपर का टुकड़ा डालते हैं, तो याद रखना ये रिएक्शन हमने पढ़ी थी कि जब डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करता है कॉपर, तो रिएक्शन के दौरान कॉपर नाइट्रेट, इसका ब्लू कलर आएगा और ये NO बनेगा, और ये NO फिर एयर के कॉन्टेक्ट में आकर के NO2 की ब्राउन फ्यूम्स देता है। ठीक है, ये ब्राउन फ्यूम्स आती है, ये टेस्ट विद एसिड है, सिंपल है। चलो याद करते हैं, पहला जैसे आपने एसिड डाला क्या बनेगा, HNO3। HNO3 को हीट किया तो तुरंत आपके NO2 की ब्राउन फ्यूम्स आ जाएंगे। दूसरा, अगर नहीं कर पा रहे हीटिंग, तो आप उसमें कॉपर टर्निंग्स डाल दो। कॉपर टर्निंग्स डालेंगे तो कॉपर टर्निंग्स डालते ही आपके कॉपर नाइट्रेट बनेगा। कॉपर नाइट्रेट के साथ बनेगा NO। हाइड्रोजन से नीचे वाले जितने भी होते थे वो सब डाइल्यूट HNO3 करके NO देते थे। तो NO आता है एयर के कॉन्टेक्ट में और NO2 की ब्राउन फ्यूम्स आती है। ठीक है, अब देखो टेस्ट बेस्ड ऑन PPT तो आएगा ही नहीं, क्योंकि सारे सोल्यूबल हैं। रेडॉक्स की बात करें तो ये आपका NO3 है, ये +5 है, तो ये सिर्फ रिड्यूस हो सकता है। और इसके लिए मैंने आपको बताया था नेसेंट हाइड्रोजन, यानी कि डिवार्डा अलॉय। और डिवार्डा अलॉय अगर होगी तो रिएक्शन बनेगी, रिएक्शन कौन सी बनेगी, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट। तो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का जो प्रोडक्ट है वो बना अमोनिया, और ये अमोनिया बाहर आ गया। क्लियर सबको, क्लियर। तो अमोनिया का आइडेंटिफिकेशन भी मैंने आपको बता दिया था, चलो रिवाइज करो। अगर HCl के साथ करेंगे तो NH4Cl की वाइट फ्यूम्स, अगर आप नेस्लर्स रिएजेंट यानी K2HGI4 से करते थे बेसिक मीडियम में तो ब्राउन PPT, OHG HG NH2I, ऑक्सीडाई मर्क्यूरी अमोनो आयोडाइड। तीसरा बताया था कॉपर सल्फेट से अमोनिया कराते हैं तो डीप ब्लू सिडजर सॉल्ट, और NiCl2 जिसका ग्रीन सॉल्यूशन होता है अगर उससे कराते हैं तो निकल यानी NiNH3O6+2 का डीप ब्लू सॉल्यूशन। तो ये आपकी इसकी भी खत्म होगी। अब इसका एक खास टेस्ट होता है और वो है ब्राउन रिंग टेस्ट। जी हाँ, ब्राउन ब्राउन रिंग टेस्ट क्या होता है जल्दी बताओ, ये ब्राउन रिंग टेस्ट, ये आपका ब्राउन रिंग टेस्ट होता है। तो ब्राउन रिंग टेस्ट हमने
एनओ टू माइनस का भी पढ़ा था, और ये किसका है एनओ थ्री माइनस का, वो किसका पढ़ा था एनओ टू माइनस का, ये किसका पढ़ रहे हैं एनओ थ्री माइनस का। तो सबसे पहले वही एनओ थ्री माइनस में तरीका वही होगा जो NO2- में था। जैसे पहले सबसे पहले हम डालेंगे इसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4, फिर डालेंगे इसके अंदर हम कंसंट्रेटेड H2SO4, वहां डाइल्यूट लिया था, यहाँ कंसंट्रेट लेना है, डिफरेंस याद रखना। जैसे आप कंसंट्रेट डालेंगे फिर वही साइड वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब से आएगा धीरे धीरे, ठीक है, सारा सब कुछ प्रोसेस वही है, रिएजेंट बदल गया बस एक। तो जैसे ही कंसंट्रेट HNO3 आएगा ये रिएक्ट करके बनेगा HNO3, ये HNO3 और फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 लिया था, मैंने कहा था ना गुड एब्जॉर्बर ऑफ NO है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 जैसे ही इसमें डाला तो तुरंत आपके क्या बन जाएगा ये Fe2SO4 होल थ्राइस और NO। ये जो NO है ये रिमेनिंग FeSO4 यानी कि यहाँ रेडॉक्स होगा, पहले रेडॉक्स होने के बाद जो आपने फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 डाला था वो कुछ किसमें चला गया, ऑक्सीडाइज होकर चला गया इधर, तो रिमेनिंग FeSO4 जो होता है वो इस NO को अब्सॉर्ब करता है, फिर ब्राउन रिंग टेस्ट यानी कि ब्राउन रिंग बनाता है, ठीक है। हमारी NCERT में ब्राउन रिंग इसी का दिया हुआ है, NO3- आयन का, किसका दिया हुआ है बताओ NO3- आयन का, किसका दिया हुआ है NO3- आयन का। अब ये जो ब्राउन रिंग टेस्ट है इसको इंटरफेयर कौन करते हैं, नाइट्रेट के, ये इंटीजर सवाल बन जाता है, अभी ध्यान से करना इसको, I- Br- NO2- CNO3- और क्रोमेट, ये सब इंटरफेयर करते हैं किसको, ब्राउन रिंग टेस्ट को। I- Br- क्यों कर रहे हैं, बिकॉज दे आर रिड्यूसिंग एजेंट, ये NO3- को रिड्यूस कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे तो नाइट्रेट ही नहीं रहेगा तो टेस्ट कहाँ से आएगा, ये तो दे ही नहीं सकता क्योंकि इसकी प्रेजेंस में टेस्ट कैसे होगा, ये खुद भी देता है। ये क्या करता है कि जब कंसनट्रेट H2SO4 डाला होता है ना अपन ने, तो उससे रिएक्ट करके ये बना देता है Cl-, ठीक है। Cl- जो होता है फिर वो नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन होता है वो जनरली सोल्यूबल सॉल्ट लेते हैं, तो AgNO3 लिया जाता है 90%, तो वो AgNO3 से रिएक्ट करके Cl- AgCl का वाइट पीपीटी बना देता है, तो अंदर पीपीटी बन जाएगा अगर, तो फिर टेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह से क्रोमेट जो होता है वो भी आपके रेडॉक्स कर लेता है नाइट्रेट से, तो फिर रेडॉक्स हो जाएगी तो नाइट्रेट भी हट जाएगा, तो इस वजह से ये इनकी प्रेजेंस में हम ब्राउन रिंग टेस्ट नहीं कर सकते। पांच ऐसे हैं, तो इंटीजर आएगा तो दो तो सीसी वाले हैं, दो हेलोजन है और एक NO2- आया है, ठीक है। अब इसमें सवाल कैसे बनते हैं वो देखना जरा, पहला सवाल क्लियर, इधर देखो पहला सवाल ये पूछेगा कि क्या हम ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर NO2- आयन, क्या बोला उसने, ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर NO2- आयन इन प्रेजेंस ऑफ NO3- आयन कर सकते हैं क्या, क्या बोला उसने बताओ, क्या हम ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर NO2- आयन इन प्रेजेंस ऑफ NO3- आयन कर सकते हैं क्या। तो क्वेश्चन करके लिखना, कैन बी परफॉर्म ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर NO2- आयन इन प्रेजेंस ऑफ NO3- आयन, तो आंसर है यस, और उसका रीजन आप देखिए बाय
यूजिंग डाइल्यूट एस्ट्रोसोफोर। क्यों? आपने अगर डाइल्यूट एस्ट्रोसोफोर को यूज किया तो ये तो दे ही नहीं सकता ना, ये तो सब ग्रुप टू का है। अगर ये सब ग्रुप टू का है तो ये तो कंसंट्रेट से देगा, ये क्या है सब ग्रुप वन का, तो ये किससे देगा? डाइल्यूट से देगा। ठीक है, तो यहां यस। दूसरा सवाल, सेम सवाल है वापस। कैन, दूसरा सवाल लिखना, कैन वी परफॉर्म्ड ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर एनओ थ्री माइनस आयन इन प्रेजेंस ऑफ एनओ टू माइनस आयन। क्या हम एनओ थ्री माइनस का ब्राउन रिंग टेस्ट एनओ टू माइनस आयन की प्रेजेंस में लगा सकते हैं क्या? सोचो। हाँ, कंसंट्रेट एस्ट्रोसोफोर लो ना, उससे ये दे देगा। गलत, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कंसंट्रेटेड H2SO4 जब यूज करते हैं मेरे भाई तो दोनों आयन टेस्ट देते हैं, ये भी देता है ये भी देता है, तो आप नहीं लगा सकते इन प्रेजेंस ऑफ दिस। तो आंसर है नो। ठीक है, ये आपके दोनों सवाल हो गए इंपॉर्टेंट। ठीक, अब तीसरा सवाल देखो। तीसरा सवाल यह है कि क्या हम ब्राउन रिंग टेस्ट, ये NO3 माइनस है, ये NO2 माइनस है, और ये हमने क्या डाल दिया इसमें? देखो, अगर एक ऐसा सॉल्ट डाल दूं जिससे ये रिएक्ट करके पीपीटी बना ले और ये ना बनाए, तो इसको फिल्टर कर लेंगे तो फिर तो इसका टेस्ट आ जाएगा ना। तो सोचो एक ऐसा रिएजेंट जिससे ये पीपीटी बनाता हो ये नहीं बनाता हो, तो हमने दिमाग लगाया कि यार NO2- आयन के सारे सोल्यूबल होते हैं एक को छोड़ के, और वो एक कौन सा था? AgNO2। AgNO2 का वाइट पीपीटी आता है, तो हम इसका अगर AgNO2 बना ले तो ये हट जाएगा। तो इसका मतलब सिल्वर का एक सॉल्ट चाहिए जो सोल्यूबल हो, यानी कि जो इससे रिएक्ट कर सके। अब सिल्वर का एक सोल्यूबल सॉल्ट तो होता है मेरे पास, याद है मुझे, सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट डाल दोगे तो इसका पीपीटी बन जाएगा। तो मेरा सवाल है यहाँ पे, क्या सिल्वर नाइट्रेट डाल सकते हैं? तो आंसर है नहीं, क्योंकि अगर ये वाला सॉल्ट आपने डाल दिया इसको हटाने के लिए तो आपने नाइट्रेट भी डाल दिया ना, फिर तो नाइट्रेट का टेस्ट इसकी वजह से नहीं, इसकी वजह से ही आ जाएगा। तो ये रिएजेंट आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि फिर तो इसमें खुद में नाइट्रेट है, आपने बाहर से डाल दिया टेस्ट ट्यूब में नाइट्रेट, तो ऐसा नहीं ले सकते। आपको ऐसा सॉल्ट लेना पड़ेगा जो सिल्वर का ही हो और वो सोल्यूबल हो। तो फ्लोराइड की सोल्युबिलिटी आप सोल्युबिलिटी में जाके देखना, ऑल आर इनसोल्युबल था एक्सेप्ट BeF2 एंड AgF, ये दोनों सोल्यूबल हैं। बाकी बहुत सारे लिखे हुए उसमें NiF2, LiF3 और LiF, ये सब ये हमारे ज़्यादा काम की नहीं, इसलिए मैंने सिर्फ काम की बोली है। ऑल आर इनसोल्युबल एक्सेप्ट BeF2 एंड AgF, ये सोल्यूबल हैं। तो यहाँ पर अपन ने किसको ले लिया? AgF2। और अगर इस AgF को लिया तो AgF सोल्यूबल होने की वजह से अंदर जाएगा, अंदर जाके यहाँ पर रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके बनाएगा AgNO3, या बनाएगा AgNO2, AgNO2 का वाइट पीपीटी होगा, ये आपका सॉल्युबल होगा, इसको आप फिल्टर कर लेंगे, फिल्टर कैसे करेंगे आप? ये तो आपका पीपीटी में आ गया, रेजिड्यू में, और ये आपका आ जाएगा फिल्ट्रेट में। ठीक है, आप इसके अंदर आप क्या डाल दोगे? कंसंट्रेट H2SO4 और क्या डाल दोगे? कंसंट्रेट H2SO4 और क्या डालोगे बताओ? फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4। तो आपके पास क्या दिख जाएगा यहाँ? ब्राउन। ठीक, तो ये मेथड हो गया एक। इस तरह से आप NO3 माइनस का ब्राउन रिंग टेस्ट लगा पाते हो। अब एक सवाल और, एक और था इसमें, अगर मैं सल्फामिक एसिड डाल दूं, याद आया कुछ? सल्फामिक एसिड से सिर्फ NO2 माइनस रिएक्ट करता था, N2 बनाता था, H2SO4 बनाता था,
और H2 यानी कि NO2 माइनस सल्फामिक एसिड डालने पर NO2 माइनस डिस्ट्रॉय होकर के किसमें आ जाएगा, N2 में, किसमें आ जाएगा N2 में, किसमें आ जाएगा N2, ये खत्म हो जाएगा। अब इधर आओ, ये NO3 माइनस बचेगा, तो NO3 माइनस बचेगा, तो NO3 माइनस में फिर आप क्या डाल दोगे, FeSO4 प्लस H2SO4, तो आपके क्या बन जाएगा, ब्राउन रिंग टेस्ट, क्या बन जाएगा, ब्राउन रिंग टेस्ट। अब आप मेरी तरफ देखो ध्यान से, अब सवाल अगर ये पूछे कि क्या NO3 माइनस का ब्राउन रिंग टेस्ट NO2 माइनस की प्रेजेंस में लगा सकते हैं बाय यूजिंग सल्फामिक एसिड या AGF, सोचो, तो आप सोच रहे होंगे कि यस लगा तो सकते हैं, लग रहा है, पर आपका आंसर है गलत। क्यों, प्रेजेंस में नहीं लगाया आपने अभी भी, ये तो रिमूवल के बाद लगा है, देखो आप इस प्रोसेस में ये रिमूव हुआ है, पहले हट गया ये अकेला बचा, और फिर इसके साथ आपने ब्राउन रिंग टेस्ट लगाया है। यहां पर आप देखो ये रिमूव हुआ है NO2 माइनस, N2 बन गया, हट गया, हटने के बाद ये बचा, इसके साथ ब्राउन रिंग टेस्ट बनाया, यानी कि आपने प्रेजेंस में नहीं लगाया। तो लैंग्वेज को ध्यान से सुनना, ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर NO3 माइनस NO2 माइनस की प्रेजेंस में नहीं लगा सकते, ठीक है, हाँ आफ्टर रिमूवल आप लगा सकते हो, रिमूव करके लगा सकते हो, रिमूव करने का जो मेथड है वो मैंने बताया, AGF और ये सल्फामिक एसिड। अगला सवाल, ये सल्फामिक एसिड क्यों लिया, इसको हटाने के लिए, कल मैंने बहुत सारे बताए थे आपको, NH4Cl बताया था मैंने आपको, जो है वो NH4Cl के साथ बहुत सारे क्या क्या बताए थे याद करो, यूरिया बताया था, एमाइन बताया था, थायो यूरिया बताया था, तो वो सब यूज क्यों नहीं किए, वो सब यहाँ पर यूज नहीं कर सकते इस NO2 को हटाने के लिए, क्योंकि उन सब में नाइट्रेट के ट्रेसेस मिलते हैं, याद करो मैंने वहां लिखवाया था, नाइट्रेट के ट्रेसेस मिलते हैं, लेकिन सल्फामिक एसिड ही एक ऐसा एसिड था जिसमें ट्रेसेस ऑफ नाइट्रेट नहीं बनते, इसलिए हमने सल्फामिक एसिड को लिया है यहाँ पे NO2 माइनस को हटाने के लिए। तो सबसे बेस्ट मेथड फॉर रिमूवल ऑफ NO2 माइनस अगर है कोई, तो वो कौन है, सल्फामिक एसिड से रिमूव करना, ठीक है, इसको दोबारा सुनना अगर कोई डाउट आए तो, ठीक है, परेशान मत होना, क्लियर, ये आपका नाइट्रेट समाप्त, छोटा सा था ये, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो, अब आएगा आपका क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी पहले बताई थी मैंने, याद करो, ऑल आर सॉल्युबल एक्सेप्ट Ag, Pb, Hg2+2 और Cu2+2, ये सारे के सारे इनसॉल्युबल थे, तो ऑल आर सॉल्युबल एक्सेप्ट Ag+Pb+2, Hg2+2 और Cu2+2, ये सारे के सारे क्या थे, इनसॉल्युबल, ठीक। पहला आता है टेस्ट विद एसिड, इधर देखो, टेस्ट विद एसिड, एसिड में मैंने आपको बताया था कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 की एक खास बात होती है कि कंसंट्रेटेड H2SO4 आपके पास जो होता है वो एसिड तो है ही सही, प्लस एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है,
कंसेंट्रेटेड एस टू सल्फर क्या है, एसिड तो है ही सही, बट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, कहाँ ले आएगा, HCl में, ठीक है। लेकिन ये पहले ऑक्सीडाइज नहीं कर रहा है, पहले टेस्ट कर रहा है एसिड, रिएक्ट एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, यानी यहाँ पर ये एसिड की तरह काम कर रहा है, यानी एसिड फॉर्मेशन कर रहा है, और यहाँ सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, यहाँ पर रेडॉक्स। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, ध्यान सुनना, Cl- की जब कंसेंट्रेट H2O4 से कराएंगे तो एसिड बनेगा HCl, यहाँ HBr, यहाँ HI। अब जो HCl होता है ना, Cl- वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। अब अगर ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो इस रिमेनिंग कंसेंट्रेटेड H2O4 से रिडॉक्स नहीं करता, इसलिए यहाँ Cl2 नहीं बनती और फाइनल प्रोडक्ट HCl बोलते हैं। लेकिन जब HBr और HI की बात होगी तो HBr और HI दोनों अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, HBr एंड HI दोनों अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, इसलिए ये दोनों कंसेंट्रेटेड H2O4 से रिएक्ट कर लेते हैं और रेडॉक्स रिएक्शन होती है और Br2 और I2 बनता है। तो रेडॉक्स की वजह से यहाँ पर Br2 I2 बन रही है। जब हमने पहला लेक्चर पढ़ा था और उसमें जब मैं आपको टेस्ट विद एसिड लिखवा रहा था तो याद करिए Cl- जब आया था तो मैंने उसमें लिखवाया था आपका HCl की वाइट फ्यूम्स, Br- था तो मैंने लिखवाया था Br2 रेडिश ब्राउन फ्यूम्स, I- लिखाया था तो I2 वॉयलेट फ्यूम्स। तब आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी नहीं समझ में आएगा, तो फील है इस चीज की कि यहाँ पर ये चेंज क्यों आया, ठीक है। अब अगर सपोज ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर रहा, अगर हम इसके साथ एक और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देंगे तो फिर आपके यहाँ पर भी रिडॉक्स हो जाएगी, और वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फिर लिया जाता है MnO2, यानी कि अगली रिएक्शन बोल रहा है वो टेस्ट विद MnO2 प्लस कंसंट्रेटेड H2O4। तो अब अगर Cl- की रिएक्शन MnO2 प्लस कंसंट्रेटेड H2O4 से कराएंगे तो फाइनल प्रोडक्ट आपका जो है वो Cl2 जैसा होगा, क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये इसको उठा के Cl2 में ले जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, Cl2, ग्रीनिश येलो गैस होती है, कैसी, ग्रीनिश येलो। तो Cl2 भी पता लग गई हमको कि क्या होती है, क्लियर सबको यहां तक। अब आगे की बात करते हैं, अगर सपोज कंसंट्रेटेड H2O4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए Br- Br2 में गया, I- I2 में गया, अगर सपोज हम एक नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड ले लें जो कंसंट्रेटेड भी हो तो फिर क्या होगा, अगर ऐसा एसिड लें जो कंसंट्रेटेड हो और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो फिर फाइनल प्रोडक्ट HBr बनेगा, HI बनेगा, क्योंकि फिर HBr ऑक्सीडाइज नहीं होगा, HI भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा। यानी कि नोट करके अगर हम लिखें तो हम ये लिख सकते हैं कि प्योर HCl, प्योर HBr एंड प्योर HI, ठीक है, कैन बी ऑब्टेंड बाई यूजिंग कंसंट्रेटेड H3PO4, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में लिखा था जब नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड पढ़ाए थे मैंने, तो लिखवाया था उसमें कि कंसंट्रेटेड H3PO4 एक नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कंसंट्रेटेड H3PO4 क्या है बताओ, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या है बताओ, कंसंट्रेटेड क्या है, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए जब आप इसको यूज करोगे तो यहाँ पर प्योर HCl, प्योर HBr और प्योर HI बनेगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, क्लियर सबको। ये आपके टेस्ट विद एसिड की बात होती है जिससे रिएक्शन हुई है, ठीक है। अगला आता है टेस्ट विद AgNO3। अगर मैं Cl- की रिएक्शन कराऊं तो आपके पास क्या बनेगा, ये AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट, सिंपल है। अब जो C
सिल्वर का है तो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखा था जनरली सिल्वर सॉल्ट्स आर सोल्युबल इन डाइल्यूट HNO3 एंड अमोनिया सॉल्यूशन, बट AgCl एंड AgBr ये सोल्युबल होते थे अमोनिया सॉल्यूशन में, बट इनसॉल्युबल होते थे किसके अंदर, बोलो, HNO3 में। यानी कि ये क्या होगा, इनसॉल्युबल इन HNO3 बट सॉल्युबल इन अमोनिया साइनाइड एंड थायोसल्फेट, इन तीनों में सॉल्युबल हो जाता है। अभी सॉल्युबल होने का रीजन होता है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है, ये पहले भी अपन ने एक बार ऐसे पढ़ा था, क्या हो जाता है, ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जैसे ये अमोनिया है, ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करके ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा, साइनाइड के साथ भी रिएक्ट करके सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं, थायोसल्फेट के साथ भी रिएक्ट करके क्या बना लेगा, कॉम्प्लेक्स बना लेगा। बहुत सिंपल रिएक्शन है, कुछ भी नहीं है। तो Cl- की रिएक्शन अगर AgNO3 से कराएंगे तो क्या बनेगा, जल्दी बताओ, AgCl का white PPT, क्या बन गया, AgCl का white precipitate। और ये जो AgCl का white PPT बना, ये soluble हो गया किसमें, एक तो अमोनिया में, साइनाइड में और थायोसल्फेट में, इनसॉल्युबल किसमें हुआ, डाइल्यूट HNO3 में, ठीक है, डाइल्यूट HNO3। इसके अलावा भी कुछ बातें होती हैं इसकी AgCl की, देखो कि AgCl का जो वाइट पीपीटी है वो कंसंट्रेटेड HCl में भी सोल्यूबल हो जाएगा, ये वाला सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है, ये AgCl4 बना लेगा, AgCl2- बना लेगा सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से आपका क्या होता है, ये AgCl भी सॉल्युबल हो जाता है। एक रिएक्शन अगर याद आ रही हो तो जब AgCl का वाइट पीपीटी था और इसमें सोडियम आर्सेनाइड मिलाया था तो ये आपका येलो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो गया था, ये कुछ कुछ याद आ रहा हो तो बोलो। हमने पीपीटी एक्सचेंज रिएक्शन पढ़ रहे थे उसमें थर्ड केस पढ़ा था, तो थर्ड केस जो था उस थर्ड केस के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि ये AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट होता है, इस वाइट पीपीटी में अगर आप ये सोडियम आर्सेनाइड मिला देंगे तो सोडियम आर्सेनाइड मिलाने पर आपके पास सिल्वर आर्सेनाइड का येलो प्रेसिपिटेट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सिल्वर आर्सेनाइड का येलो पीपीटी, यानी AgCl का वाइट पीपीटी कन्वर्ट हो जाता है येलो पीपीटी में अगर आप अगर आप सोडियम आर्सेनाइड मिलाते हैं। ये AgCl वाला वाइट पीपीटी की बात करता हूं। अब सेम रिएक्शन आपकी Br- की होगी, ये Br- है, ये AgBr की NO3- से कराया AgBr बना, ये वाइट नहीं होता, ये होता आपका पेल येलो पीपीटी, क्या होता है, पेल येलो प्रेसिपिटेट, ये इनसॉल्युबल होगा डाइल्यूट HNO3 में, ये इनसॉल्युबल किसमें होगा बताओ, डाइल्यूट HNO3 में, बट सॉल्युबल हो जाएगा वापस से अमोनिया साइनाइड और थायोसल्फेट। लेकिन जब ये AgBr अमोनिया में सॉल्युबल होता है तो पार्शियल सॉल्युबल होता है, मतलब जितना AgCl सॉल्युबल हो रहा था उतना नहीं, उससे थोड़ा कम पार्शियल सॉल्युबल। तो इसमें सिंपल है, कुछ भी नहीं है, Br- की AgNO3 से कराई तो AgBr का पेल येलो बना, इनसॉल्युबल होगा डाइल्यूट HNO3 में, बट सॉल्युबल हो जाएगा किसमें, अमोनिया और साइनाइड और थायोसल्फेट में, सॉल्युबल किसमें हो जाएगा बताओ, अमोनिया साइनाइड और थायोसल्फेट में, सेम कॉम्प्लेक्स। I- की रिएक्शन कराओ तो यहाँ क्या बन जाएगा, AgI, और AgI जो होता है वो येलो पीपीटी था, और AgI के लिए हमने एक बात बताई थी क्या, इनसॉल्युबल इन डाइल्यूट HNO3 एंड अमोनिया सॉल्यूशन,
बट सोल्युबल इन साइनाइड एंड थायोसल्फेट, बट सोल्युबल इन साइनाइड एंड थायोसल्फेट। तो यहां पर आपको अमोनिया जो होगा उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, अमोनिया के लिए इनसोल्युबल। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, अभी वेट करो बताता हूं 2 मिनट में, ठीक है। ये आपकी रिएक्शन विद Cl- Br- और I-, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगली रिएक्शन जो आती है